थ्री टू वन रेडी शुरू। चीन में कोरोना वायरस के कहर की जैसी खबरें आ रही हैं, वे चिंता में डालने के लिए काफ़ी हैं। विराम, वहाँ अब तक 80 मरीजों की मौत हो जाने के अलावा कई हज़ार लोगों के इसकी जद में होने की खबरें आ चुकी हैं। विराम, इस लिहाज से देखें तो भारत में अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत स्वाभाविक ही है। विराम, हालांकि अभी तक देश में इसके गंभीर असर के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन अगर समय रहते इसका सामना करने के उपाय किए जाएं तो यह समूचे देश के लिए ज़रूरी होगा। विराम, शायद यही वजह है कि चीन प्रवास से भारत लौटने वाले लोगों की जांच की जा रही है, ताकि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण के कोई संकेत हों तो पहले ही चरण में उसके इलाज की कोशिश की जा सके। विराम, यों अभी तक इस वायरस से हुई बीमारी के इलाज के लिए कोई टीका तैयार नहीं किया जा सका है, तो ऐसी स्थिति में बचाव ही एक बेहतर उपाय बच जाता है। विराम, इसलिए पिछले 6 दिनों में 2,500 से ज़्यादा लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। विराम, इसके अलावा इस वायरस की चपेट में आने की आशंका के मद्देनज़र मुंबई में अब तक 4 लोगों को एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विराम, दरअसल कोरोना वायरस के खतरे के पैमाने को देखते हुए इसे एक महामारी के तौर पर देखा जा रहा है। विराम, खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इससे पैदा जोखिम के आकलन में गलती को स्वीकार किया है। विराम, चीन के वुहान प्रांत में शुरू इस बीमारी का फैलाव फिलहाल रुकता नहीं दिख रहा है और इसके असर से उपजी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका है। विराम, अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस वायरस की चपेट में आए 461 मरीज नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं। विराम, अगर इसके फैलने की रफ्तार यही रही तो भारत में इसका गंभीर असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। विराम, यों चीन से भारत लौटे लोगों की जांच के बाद अब तक किसी के भी कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी की जद में आने के लक्षण नहीं नज़र आए हैं। विराम, लेकिन बिहार और राजस्थान में 2 मरीजों के इस वायरस की चपेट में होने की आशंका जताई गई है। विराम, ऐसी स्थिति में अधिकतम सावधानी बरतने को एक ज़रूरी प्रक्रिया और चिंताजनक हालात का सामना करने का उपाय माना जाना चाहिए। विराम, गौरतलब है कि मंगोलिया ने चीन से सटी अपनी सीमा पर कार और पैदल यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं पाकिस्तान में भी 5 लोगों को इस वायरस के संक्रमण की जांच के लिए अस्पताल में भेजा गया है। विराम, भारत के लिए
चिंता की बात यह है कि अकेले वुहान में 600 से ज़्यादा भारतीय विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं विराम, क्योंकि नए साल की वजह से वहाँ छुट्टियाँ थीं तो काफ़ी विद्यार्थी भारत आ गए थे विराम, लेकिन वहाँ अब भी 250 से 300 विद्यार्थियों के होने की आशंका है विराम। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से स्थिति गंभीर होने के बाद से चीन का यह शहर एक तरह से बंद चल रहा है, तो वहाँ फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार को कोई अन्य रास्ता निकालना चाहिए विराम। इसी के मद्देनज़र सोमवार शाम को सरकार ने भारतीयों को वुहान से निकालने का फैसला किया है और इसके लिए कोशिश जारी है विराम। इन सब के बीच चूंकि कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद शरीर अमूमन भारत में सर्दी जुकाम और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों की तरह ही प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसमें फ़र्क करने और इसके प्रति जरा भी कोताही नहीं बरतने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। स्टॉप।